चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई, ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। मंगेश यादव था इसीलिए यूपी एसटीएफ ने उसका इनकाउंटर कर दिया। ये नैरेटिव पिछले 18 दिनों से यूपी में टीम अखिलेश की ओर से गढ़ा जा रहा था, लेकिन यूपी में एक और हुए इनकाउंटर में विरोधियों को इसका जवाब मिल गया। उन्नाव में यूपी पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गया। हैचलगंज के उसी बेथर इलाके में जहां पे वह यहां से अपने बाइक से अपने साथी के साथ भाग रहा था और ये वही स्पॉट है जहां पे हम हैं और यहां पे उसका ब्लड पड़ा हुआ है। जब एनकाउंटर के दौरान उसको गोली लगी थी पुलिस की और यहां पे ये वही स्पॉट देखिए आप, यहां पे ब्लड पड़ा हुआ है। ये अनुज प्रताप सिंह का ही बताया जा रहा है और गोली लगने के बाद पुलिस उसको जिला अस्पताल ले जाती है। जिला अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलर्स शॉप पर डकैती की जिस वारदात को अंजाम दिया गया था उसमें अनुज प्रताप सिंह भी मंगेश यादव के साथ शामिल था। मंगेश का तो 5 सितंबर को ही एनकाउंटर हो गया और अब अनुज सिंह भी यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया है। आरोप है कि अनुज प्रताप सिंह ने एसटीएफ कमांडो रवि वर्मा पर फायरिंग की। रवि वर्मा के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में अनुज के सिर पर गोली लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके से पुलिस ने 2 पिस्टल, 7 खोखे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बैग में चांदी के जेवरात और एक बाइक भी बरामद की है। गोली लगी थी, कैसे बचा हुआ? जैकेट पहनने से उससे बचा हुआ। सर, इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान जो भी ऑपरेशन किया गया एनकाउंटर का, उसमें कितने राउंड फायरिंग की गई थी आरोपी द्वारा? वो तो गोली लगने पर मैं थोड़ा सा जैसे चोट आया, मैं लुढ़क गया, तो इससे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जाहिर है एक और कुख्यात इनामी बदमाश के मारे जाने पर इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली। अखिलेश यादव एक बार फिर बेचैन है, लेकिन अब की बार उनकी बेचैनी थोड़ी अलग थी। याद कीजिए मंगेश यादव के एनकाउंटर को। 5 सितंबर की सुबह 3:25 पर मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और सुबह 9:15 पर अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया। इस लंबे चौड़े ट्वीट के साथ अखिलेश जाति वाला नैरेटिव लेकर आए थे और सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर को ही फेक बताने लगे। तो वहीं अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद भी अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट किया। सुबह 4 बजे के करीब एनकाउंटर होता है और पोस्ट आता है दोपहर 2:05 पर। इस पोस्ट में उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जाति वाला एंगल गायब था जो मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद की पोस्ट में दिखा था। यानी जिस मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सुबह सुबह ही अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए थे, वहीं अनुज सिंह के एनकाउंटर पर रिएक्शन देने में दोपहर तक का वक्त लगा दिया। जाहिर है यहाँ पीडीए वाला एंगल नहीं मिल रहा था। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई, ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। देखिए, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी जी की एसटीएफ अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। एक लूट में इतनी थ्योरी आ रही है, आपने कभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना नहीं सुनी होगी कि एक घटना में इतनी थ्योरी। कभी एसटीएफ कहती है कि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया, कभी कहती है मुख्य आरोपी का उन्हें हाफ इनकाउंटर कर दिया, कभी मुख्य आरोपी का आप कहते हैं इनकाउंटर कर दिया, फिर आपने आज एक मार दिया। तो
समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा इनकाउंटर प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, जाति पर नहीं। जाति पर तो सवाल तब खड़ा होता है जब पूरे इनकाउंटर की सूची देखी जाती है तो पता लगता है पिछड़े दलित मुसलमान आपने मार दिए। और आप बैलेंस कर रहे हैं, खाता बही सही कर रहे हैं। उन्नाव एनकाउंटर में ढेर अनुज प्रताप सिंह की क्राइम कुंडली मंगेश यादव से मिलती जुलती है। मंगेश यादव की तरह अनुज प्रताप सिंह भी 1 लाख का इनामी बदमाश था। मंगेश पर जहां जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में केस दर्ज थे, तो वहीं अनुज सिंह के ऊपर भी 2 मुकदमे थे। मंगेश यादव पर जहां 2022 में सुल्तानपुर के करौदी कला थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, तो वहीं अनुज प्रताप सिंह पर गुजरात के सूरत में SBI में हुई लूट की वारदात में शामिल होने के आरोप थे। जाहिर है UPSTF का सलूक दोनों के लिए एक जैसा रहा, मंगेश यादव हो या फिर अनुज ठाकुर, दोनों ने कानून को चुनौती देने की कोशिश की और दोनों को इसका अंजाम भुगतना पड़ा। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी यूपी के एनकाउंटर में जाति वाला एंगल ढूंढ कर लाती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि यूपी में मार्च 2017 यानी योगी सरकार बनने के बाद से अप्रैल 2023 तक 183 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इन 183 अपराधियों में 61 मुसलमान, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 ट्राइब्स, 2 सिख, 7 OBC और 34 अन्य शामिल हैं। यानी कानून के रक्षक बिना राग द्वेष के अपना काम करते हैं जो संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार जब अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो जाति और धर्म का चश्मा नहीं चढ़ाती है, बल्कि अपराधी को दंड मिले इसके लिए काम करती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो अपराधियों और माफियाओं के संरक्षण करता है, वो जरूर जाति धर्म का चश्मा लगाकर अपराधियों को संरक्षण देते हैं। चाहे ठाकुर का इनकाउंटर हो, चाहे पासी को हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे यादव, इनकाउंटर किसी का भी हो उसके खिलाफ हम लोग हैं। चाहे हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हो, चाहे कुछ हो, हमारे नेता चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हो, चाहे आज अखिलेश जी रहे हैं, हम लोग इनकाउंटर पर और या किसी के साथ अन्याय किया जाए तो समाजवादी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई है, हमेशा संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ा है, तो ये विचारधारा हमारी नहीं। यूपी में CM योगी की पुलिस सरनेम पूछकर गोली नहीं मारती, बाकायदा केस की स्टडी करती है, आरोपी की हिस्ट्री खंगाली जाती है, अपराध कितना बड़ा है ये भी देखा जाता है, लास्ट ऑप्शन दिया जाता है सरेंडर करने का, इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो हिसाब ऑन द स्पॉट होता है। यही टाइमलाइन रही मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।